जिनके पास भी सुजुकी एक्सेस 125 ये वाली मॉडल है उनके साथ चीटिंग हुआ है, मैं पता था क्या चीटिंग हुआ था। हेलो हाय दुआ सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडस मोटर्स। आज हमारे साथ है सुजुकी एक्सेस 125 BS6 और आज हम इसका सेकेंड सर्विस ओनरशिप रिव्यू करने वाले। हम इसमें आपको बताएंगे कि सेकेंड सर्विस के बाद में जो इसके यूज़र है, जो दादा है, उनको कितने का एवरेज मिल रहा है। हम बात करेंगे इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, और हम कंपेयर करेंगे पहले सुजुकी एक्सेस। तो अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो मैं टीवीएस हो गया, सुजुकी भी हो गई, होंडा भी हो गया, मैं इनको बहुत मानता हूँ। आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो पहले वाली एक्सेस और नए वाली एक्सेस को। सुजुकी ने क्या किया है, नए वाली एक्सेस जो है इस पर पूरा का पूरा काम किया हुआ है। पूरा का पूरा काम करने का मतलब मेरा ये है कि उन्होंने नए वाली एक्सेस का लुक्स, अब देख सकते हो लुक्स में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इंजन पे भी रिफाइन काम किया हुआ है, कंफर्ट पे भी। अब अगर कंपेयर करो दोनों को तो अगर आपको भी दिखेगा कि कहाँ से भी दोनों मैच नहीं करते, सिर्फ नाम को छोड़कर। सो दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट विच सुजुकी हैज शोन। और रेयर प्रोफाइल से भी बहुत चेंजेस किया हुआ है। होंडा एक्टिवा क्या करता है कि मोस्टली चेंजेस के नाम पे होंडा एक्टिवा क्या करता है, कभी हेडलाइट चेंज कर देता है या फिर थोड़ा पीछे से बॉडी का साइज़ थोड़ा रेड्यूस कर देता है, लेकिन सुजुकी एक्सेस 125 में ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने पहले वाली एक्सेस भी 125 सीसी में आती थी, अभी वाली भी 125 सीसी में ही आती है, बट अब खुद ही देख सकते हो, दोनों के लुक्स को कंपेयर कर सकते हो आप, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही बात रही डैशबोर्ड की भी, आप पहले वाली का डैशबोर्ड देख सकते हो और नई वाली एक्सेस का आप डैशबोर्ड देख सकते हो, दिख रहा है आपको। मीन्स नई वाली एक्सेस में आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर मिलता है, जिसमें आपको इंजन लाइट ये सब भी मिलता है, हाई बीम ये सब का इसमें भी मिलता था, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। चलिए मैं आपको एक डैशबोर्ड का एक लुक दे देता हूँ एक्सेस का, आप देख सकते हो। ये जो कलर है आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, प्लस आपको यहाँ पर आपको हाई बीम, इंजन लाइट और इंजन वार्निंग लाइट ये सब आपको देखने, इंडिकेटर्स, प्लस आप इसकी स्विच का क्वालिटी भी देख सकते हो। आप ये देख सकते हो स्विच का क्वालिटी, इसे ऐसा करने से स्कूटी ऑन हो जाती है। और आप लास्ट में आप देख सकते हो हैंडल बार में वेट डाला गया हुआ है कि अच्छे से मैनेज हो। और यहाँ पर इसका एक चार्जिंग का स्लॉट दिया गया हुआ है, देखो, जिसमें आपको LED दिखती है, कि काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर ये इसे किया गया है डिज़ाइन, क्योंकि नॉर्मली बाकी सब स्कूटी में आपने देखा होगा कि सीट के नीचे होता है। और आप ये हुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का दिया गया है। और यहाँ पर आप बॉटल, पेन, पेपर, मोबाइल ये सब रख सकते हो आप। और ये है पहले वाले एक्सेस का डैशबोर्ड डिज़ाइन, पूरा कुछ डिजिटल नहीं आता, सब एनालॉग ही आता था। स्विच की क्वालिटी अलग है, लाइट्स की आई नो बहुत डिफरेंस हो गए, 7-8 साल पुरानी स्कूटी है और ये अभी आई है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना बॉटल रखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको एक चोक मिलता था पहले यहाँ पर। और देखो आप ये अलग हिस्सा कंपेयर कर सकते हो, आप यहाँ का कंपेयर कीजिए और नए वाले एक्सेस का यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। पुराने वाले एक्सेस जो थी जो बहुत ही ब्रॉड दिखती थी, मैं एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। इसका साइलेंसर भी आप देख सकते हो, ये साइलेंसर का डिज़ाइन देखिए पहले वाले का और नए वाले का आप डिज़ाइन देखिए, बहुत ही डिफरेंस है। इनफैक्ट लाइट सेक्शन भी, ये भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड आता था और ये यहाँ पर कम ब्रॉड है, आप ये देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो।
इसमें कुछ DRLs कुछ भी नहीं थे, सब हैलोजन था, ये भी इंडिकेटर्स भी हैलोजन ही आते थे, और बैचिंग, और ये जो नाम था इसका बैचिंग, सॉरी एक्सिस का स्टिकर आता था, यहाँ पर भी स्टिकर आता था और यहाँ पर भी स्टिकर आता था, जो कुछ टाइम बाद में ऐसा घिस के ख़राब हो जाता था। और इस वीडियो में जो मेरे प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो मेरे हिसाब से होंगे, और दादा के हिसाब से भी जो इसके ओनर हैं उनके हिसाब से होंगे। सो मैं अब ट्राई करूँगा कि इसमें आपको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप मेरी वीडियो को पहले बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लुक से। मैं आपको इसका एक लुक्स का एक शॉट दिखा देता हूँ, पूरा रील दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो मैं आपको सुजुकी एक्सेस 125 इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये टॉप मॉडल है, ठीक है, ये टॉप मॉडल है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है, मैं आपको बता दूँ, आपको इसमें आपको मिल जाता है ये डिस्क ब्रेक एलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक एलॉय व्हील्स, और ये गोल वाले मिरर्स, और आप इसका सीट भी देख सकते हो, काफ़ी लॉन्ग सीट है इसका। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट से, फ्रंट में से हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसमें वो है इसके हेडलाइट्स और लुक्स। इसमें आपको फुली डिजिटल LEDs मिलेंगे, मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी इसके LEDs ऑन कर दिए हैं, और नीचे पे आपको LEDs मिलते हैं, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स, ये नीचे बल्ब है, बल्ब हेलोजन बल्ब है इसमें, और ये हमारा BS6 मॉडल है, तो इसमें आपको हमेशा लाइट ऑन मिलेगा। ये लो बीम है, और ये नीचे आपका हाई बीम, और ये क्रोम फिनिश, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें, और आप ये देख सकते हो ये मैट ब्लैक कलर में इसकी रिम्स आते हैं जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और अगर आप बात करो इसके बम्पर की भी, मडगार्ड की, सॉरी टंग ट्विस्ट, मडगार्ड की, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फिनिश दिया गया है, मेटल प्लस प्लास्टिक का। अब दूसरी बात करते हैं इसके लेग रूम की, जहाँ पर हम लोग जहाँ पर पैर रखते हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। आपको टॉप मॉडल में मीन्स अब ये 96 वाली जो आप खरीदते हो उसमें आपको ये मैट, अलग मैट आता है सुजुकी एक्सेस 125 वाला, और आप ये देख सकते हो की का भी, यहाँ से आप इसे लॉक कर सकते हो, पुराने वाली सुजुकी एक्सेस से मिलती है, लेकिन इन्होंने जो पार्ट है डैशबोर्ड एरिया, और आपको मैं डैशबोर्ड का भी एक टूर दे देता हूँ। ये देखो आप ये डैशबोर्ड देख सकते हो, BS6 मॉडल है, तो इसमें लाइट्स आता है, यहाँ पर इंजन का वार्निंग लाइट है, इंजन भी आता है वार्निंग लाइट है, अगर सपोज़ कुछ प्रॉब्लम है तो ये वार्निंग लाइट ऑन होगा, इंडिकेटर्स है यहाँ पर, आपका हाई बीम लो बीम का दिखेगा, और ये गोल गोल इसके मिरर्स, फिनिशिंग अच्छा है स्कूटी का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग है, और यहाँ पर हुक दिया गया है, आप कुछ भी सामान इस सब रख सकते हो। अब जो पीछे बैठता है उसके लिए ये लेग गार्ड, क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट्स अच्छे क्वालिटी की है, बट ये फाइबर ही मिलेगा आपको, नीचे का जो पार्ट है ये फाइबर ही मिलेगा। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है, जिनके पास जुपिटर होगा दे कैन रिलेट कि फाइबर है तो जल्दी टूट जाता है, यहाँ से क्रैक आ जाता है, ये पार्ट जो है यहाँ से क्रैक आ जाता है बहुत जल्दी। बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो ये आपको मेटल का मिलेगा, यहाँ पर सुजुकी एक्सेस 125 की बैचिंग आएगी, और इंजन के बारे में इसके बात करते हैं बाद में, डिटेल में बात करेंगे, आपका नॉर्मली किक, और पीछे लाइट्स में आपका हैलोजन मिलेगा, कुछ LED नहीं है, तीनों के तीनों आपका हैलोजन है, और ये आपका फ्यूल भरने के लिए, पहले वाले एक्सेस 125 में सीट खोलनी पड़ती थी, इसमें बाहर ही दिया गया जो काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा आप इसकी सीट कैसे ओपन कर सकते हो। आपको नॉर्मली जुपिटर या एक्टिवा जैसा आप, अभी तो एक्टिवा में यहाँ से बटन आ गया, अच्छा है, लेकिन बहुत लेट से आया, जुपिटर के तरह नहीं कि यहाँ से चाबी निकल के यहाँ पर चाबी लगाओ, नहीं, आपको जस्ट नॉर्मली इसे ऐसे टर्न करना है और थोड़ा सा इसे ऐसे घुमाना है, ऐसा टक करके आवाज़ आएगा, आप सुनो, देख रहे हो। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके सीट के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको इसका 6 नंबर देखने मिलेगा, और काफ़ी अच्छा मीन स्पेस है सीट के नीचे, नो डाउट्स।
काफ़ी अच्छा स्पेस है, मैं निकाल देता हूँ ये, अब देख सकते हो अच्छा स्पेस दिया गया है। और सबसे बेस्ट बात मुझे लगी कि जो जो एक्टिवा नहीं सॉरी, बहुत से स्कूटर्स में नॉर्मली इधर चार्जिंग का स्लॉट दिया होता है, यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने वो चार्जिंग का स्लॉट यहाँ पर दे दिया है। और अब यहाँ पर मोबाइल जो कुछ भी छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मीन्स सही है, इन्होंने कस्टमर्स के बारे में सोच के इन्होंने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। और ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको कलर्स भी आते हैं, मैट कलर भी आती है, मैट रेड भी आती है, एक मैट रेड, बट जो दादा है उनको यही कलर पसंद थी तो उन्होंने यही कलर ली। तो दोस्तों आपने तो देख लिया इसके लुक्स के बारे में, लेकिन अब मैं आपको फ्रेंकली एक बात बताता हूँ, जिनकी स्कूटी है वो दादा मेरे बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने इसका सेकंड सर्विस किया, सेकंड सर्विस फर्स्ट सर्विस तक इनको ऑलमोस्ट स्कूटी 39-40 का एवरेज दे रही थी, फर्स्ट सर्विस की पहले की बात है, उन्होंने फर्स्ट सर्विस किया, बाद में सेकेंड सर्विस तक उन्होंने इसका एवरेज निकाला, मोस्टली उन्होंने बोला कि उनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा था। तो फिर जब उन्होंने सेकंड सर्विस की तो मैंने उनसे कहा कि सर दादा थोड़ा देखो एवरेज के बारे में कैसा मिल रहा है एवरेज, क्योंकि मोस्टली हम इंडिया में पहले ये देखते हैं दाम क्या है और कितना देती है, और इसका तो टैगलाइन ये कम पीती है। तो उन्होंने सेकंड सर्विस के बाद में इसका एवरेज निकाला, सो शॉकिंग टू नो उनको एक्सेस 45-46 तक एवरेज दे दे रही है आराम से, क्योंकि तो नॉर्मली ऐसा खाली रोड पे चलाते हैं ज़्यादा नहीं, उनका ज़्यादा दूर का अप डाउन ये थोड़ा ही है, लेकिन स्टिल 45-46 दे देती है हाई मीन्स पावर वाले पेट्रोल में। और सादे पेट्रोल की बात करें तो उनको सादे पेट्रोल में भी इनको आराम से 42-43 देती है सुजुकी एक्सेस 125, लेकिन हाँ एवरेज डिफर करता है राइडर पे, जैसे कि उनके फैमिली में दो जने चलाने वाले, तो उसके वजह से अगर आप सिंगल हैंडेड स्कूटी चला रहे हो तो आप देख सकते हो एवरेज में कैसा मिलता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। और ना अभी कुछ कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे और इनको इतना कैसे मिला, मुझे ज़्यादा मिलता है कम मिलता है, देखो राइडर के वेट पे उसके चलाने के और एक्सेलरेशन के हिसाब से भी फर्क पड़ता है एवरेज पे। एक टिप देना चाहूँगा, अगर आपको एवरेज बढ़ाना है आपकी स्कूटी बाइक कार का किसी का भी, दो चीज़ याद रखिए। टिप नंबर वन हमेशा टायर्स में नाइट्रोजन भर के रखना, नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन लाइट होता है वेट में और उससे ज़्यादा एवरेज में भी बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है। टिप नंबर वन नाइट्रोजन भर के रखिए। टिप नंबर टू, आप जब भी एक्सेलेट कर रहे हो ना झटके से मत कीजिए, कुछ कुछ लोग रहते हैं जो नए नए राइडर्स होते हैं पापा की परिया ये सब सॉरी देखो। और सेकंड टिप ये है कि आप एक्सेलेटर आराम से दीजिए, ऐसे एक मोमेंटम बना के आप जहाँ ऐसा बार बार ऐसा करोगे फुल स्पीड में थ्रॉटल तो एवरेज आपको नहीं मिलेगा, अब ऐसे नॉर्मल भी ऐसा कीजिए एक पर्टिकुलर लेवल पर तो आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके डिस्क ब्रेक की तो हाँ आई हैव टू एक्सेप्ट कि इसका जो फिर रेस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा मिलता है, मीन्स आप ऐसे में जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो आपको एक पूरा एक अच्छा सा रेस्पॉन्स मिलता है। और बात करें इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की तो हाँ थम्स अप, अगर आप मुझे इसे 10 में से रेटिंग देने का, अगर आप मुझे बोलो कि इसे मैं कितना रेटिंग दूँ 10 में से, तो आई विल गिव इट 8, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह पर ये जो इसकी जो सस्पेंशन है मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टीफ लगी मुझे, लेकिन बट नॉर्मली बहुत अच्छा है इसका सस्पेंशन। अब मैं बात करूँ इसके इंजन की तो आप जैसे कि देख सकते हो इसका इंजन काफ़ी वर्क किया हुआ सुजुकी ने इस पर, पहले वाले सुजुकी एक्सिस का आप इंजन से अगर इसे कंपेयर करो तो ये काफ़ी ज़्यादा पतला है और अच्छा भी है, इसका पिकअप नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्टिवा अगर आप इसके जो कॉम्पिटिटर बोलते हैं एक्टिवा 125, अगर आप इसे एक्टिवा 125 से कंपेयर कर सकते हो करो नो डाउट, लेकिन आई विल से कि एक्टिवा 125 का पिकअप इससे ज़्यादा क्विक नहीं बोल सकता, मीन्स नॉर्मल सेम ही है, लेकिन जो उसका टॉर्क है जो स्मूथनेस है वो इससे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन रही बात प्राइसिंग की तो हाँ आई डेफिनेटली एग्री कि एक्टिवा से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप उसे थोड़ा साइड इंजन सिर्फ रिफाइनमेंट को अगर आप साइड में रखो सो एक्सेस 125 इज़ ग्रेट। और सेकंड बात है इसकी फ्रंट टेलीस्कोपिक की, मुझे स्टिफ लगता है, क्यों मुझे स्टिफ लगता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ रीज़न। अगर आप ग्रेविया जो होंडा की जो है अभी जो ऑलमोस्ट इतनी चली नहीं वो,
और एविएटर से भी आप कंपेयर करते हो इसके शॉक ऑफ सेस, तो हाँ थोड़ा सा कुछ कुछ जगह पे ये थोड़ा सा हार्ड लगता है कुछ कुछ जगह पे, क्योंकि एक्टिवा इज लाइक अ सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप होता है उसका, बट इसका ऐसा नहीं है, बट स्टिल यू कैन मैनेज इट। और आपका इसका बेस्ट बात ये है, आप इसे कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस चलाओ आपका बैक, आपको बैक पेन नहीं होगा। बात करें अगर ओवरऑल सुजुकी एक्सेस 125 की बिल्ड क्वालिटी की, सो हाँ आई हैव टू से कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ एल्यूमिनियम और इसका फाइबर का, क्योंकि जो इसके नीचे का एरिया है जो आपको मालूम है पूरा फाइबर है, ये स्टील है और ये साइड का प्रोफाइल भी स्टील है, ये कॉपर है, ये स्टील है। और सीट, इसका जो सीटिंग सीट काफ़ी लॉन्ग है, ब्रॉड सीट है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे, मैं इसे पॉइंट्स में अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप ये विदाउट कवर भी अगर आप ये चलाते हो तो आपको इसका थोड़ा सीट थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, सॉफ्ट सीट लगेगा, ये डिफर करता है यूज़र पे उसे कैसा लगता है, मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगा लेकिन बाकी सब सही है। और नाइट, आई हैव टू एग्री कि नाइट में इसकी लाइट्स अच्छी है, मीन्स आपको अच्छा रोड प्रेजेंस भी देगी और आपको रोड भी ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि इसकी लाइट्स है, पावरफुल है, अच्छा है, आपको दिख जाएगा रोड हाई बीम पर भी लो बीम पर भी। और शॉक ऑफ और ये इसके सॉरी ये एग्जॉस्ट आप देख सकते हो। सो जिनके पास भी सुजुकी एक्सेस 125 ये वाली मॉडल है उनके साथ चीटिंग हुआ है, मैं पता था क्या चीटिंग हुआ था। एक्चुअली इस सुजुकी एक्सेस 125 का वेटिंग पीरियड है 1 महीने का ऑलमोस्ट, लेकिन जब मेरे दादा मीन जो मेरे बिल्डिंग में रहते उन्होंने जब स्कूटी खरीदी उसके 1 महीने बाद जो नया वाला एक्सेस 125 आ गया जो डिजिटल पूरा स्पीडोमीटर ऐसा होता है डिजिटल वो उसके साथ आ गई तो उसके वजह से क्या हुआ, इसका प्राइस भी उन्हें समथिंग 96-97 का पड़ा था और जो नया वाली सुजुकी एक्सेस 125 है उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 96 या 97 ही है। अभी ऑन रोड मुंबई का बात कर रहा हूँ मैं, तो चीटिंग हो गया, अगर 1 महीने और वो रुक जाते तो उन्हें ये नया स्पीडोमीटर मिल जाता डिजिटल। लेकिन बाकी उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है, इंजन वो सब सेम ही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है स्पीडोमीटर का। और रही बात एक्सेस, और अगर आप कंफ्यूज हो अगर आपको एक्सेस लेना चाहिए एक्टिवा 125, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर एक्सेस 125 बिकॉज सुजुकी इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर्स, वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है। और बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छा रोडर मिल रहा है, एवरेज भी आपको अच्छा मिल रहा है, और बिल्ड क्वालिटी जो मेन बात है बिल्ड क्वालिटी और पार्ट्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए।